मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा कि जो पैसा स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में वो आ गया, अगर भारत में 110 लाख करोड़ आएगा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पैसे को भारत माता के नाम से एक ट्रस्ट बनाकर, भारत माता के नाम से एक कोष बनाकर उसमें जमा करेंगे, सरकार के खजाने में नहीं रखेंगे इस पैसे को, फिर लूट जाएगा पता ही नहीं। और उस खजाने पर, उस कोष पर नागरिकों का नियंत्रण होगा, माने जो नागरिक हैं वो सीधे इसको कंट्रोल करेंगे। फिर आप बोलेंगे इस पैसे का करेंगे क्या? इस पैसे से सबसे पहला काम ये करना है कि गांव की जो गरीबी है वो दूर करनी है। 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो सबसे ज्यादा गांव में हैं। गांव के लोगों की गरीबी दूर करनी है। कैसे दूर होगी? 6,38,365 गांव की गरीबी दूर करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो 110 लाख करोड़ रुपया है इसका खर्चा करके गांव गांव में उद्योग शुरू करने हैं, गांव गांव में उद्योग। अभी जो उद्योग हैं वो शहरों में हैं, भोपाल में उद्योग हैं, इंदौर में उद्योग हैं, ग्वालियर में हैं, उज्जैन में हैं, दिल्ली में हैं, बनारस में है, इलाहाबाद, बड़े शहरों में तो उद्योग हैं, छोटे गांवों में कुछ नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को भाग भाग कर शहर में आना पड़ता है रोजगार के लिए। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर दूर शहर में जाकर नौकरी के लिए परेशान होता है, और उसकी परेशानी इतनी जबरदस्त होती है कि गांव से आदमी जब शहर चला जाता है रहने के लिए तो शहर के सबसे गंदे इलाके में रहता है, जिसको झुग्गी झोंपड़ियां कहते हैं। उन झुग्गी झोंपड़ियों में हम पैदल नहीं निकल सकते, नाक पर रूमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। वहां हमारे गांव के लोगों को रहना पड़ता है सालों साल, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। हम इसको उल्टा करना चाहते हैं, नौकरी और रोजगार के लिए किसी को गांव से भागकर शहर नहीं जाना पड़े, गांव में ही सबको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे गांव में क्या क्या उद्योग हो सकते हैं? गांव में बहुत उद्योग हो सकते हैं। जैसे मैं नाम के लिए बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में कि शहर में? गांव में। गेहूं पैदा होता है तो उस गेहूं का आटा भी बन सकता है गांव में? नहीं बन सकता। जो शहर में आटा बनाने की चक्कियां लग सकती हैं, फ्लोर मिल लग सकती है, वो गांव में भी लग सकती है? नहीं लग सकती। बिजली की व्यवस्था अगर गांव में हो जाए तो गेहूं से आटा बनाने का काम गांव में ही हो सकता है। अगर गेहूं का आटा बनकर गांव से शहर में बिकने को जाए तो गेहूं तो बिकता है 10-11 रुपए, आटा बिकता है 25 रुपए, तो किसानों को फायदा होगा कि नहीं? डबल। तो हम किसानों को क्या समझाना चाहते हैं? गेहूं पैदा करो, गेहूं मत बेचो, आटा बेचो, क्योंकि गेहूं बेचने में लाभ नहीं है, आटा बेचने में लाभ है। ऐसे ही दूध कहां होता है? गांव में। जानवर सबके पास? गांव में। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं कि दूध बेचना है तो दूध मत बेचो, दूध के सामान बना के बेचो। दूध में से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, दूध का दही बनता है। आपको मालूम है हमारे देश में एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है नेस्ले। वो दिल्ली के आसपास के गांव से दूध लेती है 12 रुपए लीटर, और उस दूध का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपए किलो। आजकल आपको मालूम है दही के छोटे छोटे पैकेट आने लगे, 65 रुपए किलो का दही बेच लेती है वो कंपनी दिल्ली में। दूध से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा? कौन सी मशीन लगती है इसमें यह बताओ? कितनी पूंजी लगती है ये बताओ? एक पैसा लगाए बिना, बिना कोई मशीन के हम दूध से दही बना सकते हैं। अब दूध से दही वो कंपनी बना सकती है तो किसान भी बना सकते हैं। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं दूध नहीं दही बेचो, 65 रुपए किलो का बिकता है, दूध तो 12 रुपए किलो का है। दूध नहीं घी बेचो, 300 रुपए किलो बिकता है, दूध तो सिर्फ 12 रुपए किलो बिकता है। मक्खन बेचो, माने दूध से बनी हुई चीजें गांव से तैयार होकर शहरों में बिके।
कपास है, कपास गांव में होती है ना, तो कपास का सूत बनाए। गांव में हो सकता है, चरखा चलाने का काम इस देश के लोगों ने बहुत समय तक किया, गांधी जी के जमाने में गांव गांव चरखा चलता था, सूत बनता था, वो सूत से कपड़ा गांव में तैयार हो तो कपास ना बिके गांव से जाकर, कपड़ा बिके गांव से जाकर। कपास बिक जाती है 10-12 रुपए में और उसी से कपड़ा तैयार करें और वो बेचें, वो बिकता है 70-80 रुपए में। मतलब मेरे कहने का यह है कि जो कच्चा माल गांव में तैयार होता है वो सीधे गांव से बाहर ना बिके, पक्का माल वो गांव में ही बने। तो मैंने इसकी एक सूची बनाई तो पता चला 100 उद्योग हर गांव में लग सकते हैं। 100 कपड़ा बनाने का, दूध से दही बनाने का, गेहूं का आटा तैयार करने का, मसाले तैयार करने का, तेल तैयार करने का, सरसों तो गांव में ही होती है ना, तो तेल गांव में निकल सकता है, तेल के डिब्बे बन बन के शहर में बिक सकते हैं। तो 100 ऐसे उद्योग हर गांव में लग सकते हैं और हर गांव में 100 उद्योग लग गए तो फिर बताओ रोजगार मिलेगा कि नहीं, बेकारी खत्म होगी कि नहीं। और जिसका रोजगार पक्का हो गया, जिसकी बेरोजगारी खत्म हो गई, उसकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 110 लाख करोड़ रुपए हमें लाना है विदेशी बैंकों से, इस पैसे को गांव गांव के उद्योग लगाने के लिए खर्च करना है।